अरे क्या कैलकुलेट कर रहे हो पापा? वो दुकान जो बिक्री उससे जो रकम आएगा उसका हिसाब कर रहा हूँ। 200-300 करोड़ में थोड़ी बिकी है दुकान, 85 लाख में बिकी है। बेटे 2 है, डिवाइड बाय 2 कर लो, 42,50,000 इसके और 42,50,000 मेरे। अच्छा डिवाइड बाय 3 कर लो तो 28,33,333 इसके, 28,33,333 इसके और 28,30,333 मेरे। एक सेकेंड, 3 में डिवाइड मतलब? जीजे आपका हिस्सा नहीं बनता है, मतलब आपका अदिति के साथ आ गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ। क्यों, उनको बुढ़ापे में नहीं चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, सब खुद ही लेके निकल लेंगे। डैडी जी क्या करेंगे, श्रवण कुमार बन के एक तरफ अम्मा जी और एक तरफ सासू माँ को लेकर टोकरी में घूमेंगे? तो फिर 4 में डिवाइड कर दो ना, 21,25,000 सबका है ना पापा? पापा एक काम करो, 2-4 हिस्से और कर लो ताकि सबके हाथ में पॉकेट मनी जितने तो पैसे आ जाएंगे। और जीजे ऐसी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जीजे कि इस उम्र में पापा मम्मी इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? हम दोनों है ना इनकी देखभाल करने के लिए, मैं और माया अलग घर बनाकर रहने वाले, फिर इसकी शादी हो जाएगी, ये भी सेटल हो जाएगा, तो पापा मम्मी के लिए 2-2 घर हो जाएंगे जीजे, कभी पापा इधर तो मम्मी उधर, कभी मम्मी उधर तो पापा इधर, हो गया काम। फिर तो डैडी जी और सासू माँ दोनों गाना भी गाएंगे, मैं यहाँ तू वहाँ, है ना? कौन से चैनल पे बागवान देख के आए आज? क्यों सब लोग एक साथ एक घर में नहीं रह सकते? जीजे ये घर है ना पहले से ही ताऊ जी के साथ लिटिगेशन में फंसा पड़ा है, कभी भी जा सकता है ये घर, और पापा मम्मी बेटी के घर में रहे ये अच्छी बात नहीं, इसलिए कह रहा हूँ पापा बेटों को ही अच्छे तरीके से सेटल कर लो। क्यों इतने हिस्से करने, काम हो जाएगा, जो करना है मैं कर दूंगा, इस बात का सर्कस मत बनाओ इधर। आज पहली बार मुझे समझ में आ रहा है सविता, तुम दुकान बचाने के लिए इतना क्यों भाग रही थी? तुम सही भाग रही थी सविता, मुझे नहीं पता था कि दुकान के साथ साथ माँ बाप का भी हिस्सा करेंगे ये लोग। अब ये बताएंगे हमें कि तुम और मैं कहाँ रहेंगे। अब भी सोच लीजिए, कुछ भी करके बयाना वापस दीजिए, दुकान बच जाएगी। कहाँ से करूं मैं, माया के बाप से भीख मांगू जाके? मैंने अपनी गलती मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से मुझे रास्ता दिखाना शुरू कर दो। हाय, कैसे हो? ग्रेट, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, कोई पूछ नहीं रहा पर बता देता हूँ। अच्छा सुनो ना, वो ना मेरी मॉम की इयररिंग्स टूट गई थी, सही करवानी थी। अच्छा आप दिखाओ। ये लो। नेकलेस कहाँ गए यहाँ से? कौन था यहाँ पे? सर मैं थी, अब यही तो था। यही था मतलब तुम ऐसे चली गई, इसको ऐसे छोड़ के यहाँ पे चली गई? सॉरी सर, मैं बस 2 मिनट इनको अटेंड करने गई थी। 2 मिनट? 2 मिनट में चोरी हो जाती है चीजें। सर 2 मिनट दो, मैं ढूंढती हूँ। वहाँ कहाँ देख रही हो? वहाँ नहीं है, यहाँ है। 4 लाख का हार तुम ऐसे ही छोड़ के चली गई। सॉरी सर। क्या सॉरी सर, ये कोई चुरा के चले आता तुम्हारे पापा पैसे देते इसके? एक्सक्यूज मी, पर्सनल होने की जरूरत नहीं, इन्होंने बोला ना सॉरी, इनके पापा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई साहब ज्यादा बोल रहे हैं आप, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। एक मिनट, ये मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? आप प्लीज स्टे अवे। आपके एम्प्लॉय से आदत है किसी भी मामले में बीच में पड़ने की। आपको पता है आपकी बेस्ट एम्प्लॉय कौन है? श्रेया। और पहली बार नहीं आ रहा मैं आपकी दुकान में,
वैभव रहने दो, इट्स ओके। रहने दो क्या? आपके ये जो सारे एम्प्लॉयज है ना शोरूम में, ये घड़ी देखकर निकल जाते हैं। ये रुकती है रात को ड्यूटी आवर्स के बाद भी काम खत्म करने के लिए। वैभव इट्स ओके, जाने दो। नो इट्स नॉट ओके। तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का हक किसी को भी नहीं है। और श्रेया, गलतियां सबसे होती हैं, इनसे भी हुई होंगी। हाँ, आपसे। श्रेया, केबिन में आओ जरा। सर, इतनी सी बात के लिए इन्हें नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। अगर ये चली गई तो नुकसान आपका होगा, इनका नहीं। मेरा? हाँ, आपका। ठीक, आओ जरा केबिन में। हद होती है यार, कमाल का लड़का है। था कौन ये लड़का? एक मिनट, ये वही था ना जिसे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया था तुमने? सेम गाय। हद हो गई यार, इसने तो मेरी क्लास ही ले ली। तो आप भी सिंपली डांट देते, ये सब क्या? पापा भरेंगे नुकसान, ये सब क्यों बोल रहे थे? तो मुझे थोड़ी पता तुम्हारे लिए इतना पॉजिटिव हो जाएगा। तुम्हें पता था क्या? क्या? कि तुम्हारे लिए इतना पॉजिटिव हो जाएगा? अब मुझे कैसे पता होगा कि उसे बुरा लग गया? एक मिनट, अगर इस लड़के ने एक मिनट भी मुझे और डांटा होता ना, तो मैं सच बता दूं कि मैं इतना डांट रहा है यार मुझे। वैसे आई एम सॉरी, गलती तो मेरी ही थी, मुझे नेकलेस ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। ना ना, उसे छूटना नहीं कहते, उसे ध्यान भटकना कहते। क्या होता है लाइफ में जब कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं ना, तब होता है ऐसे। पापा, मुझे नहीं पता आप ये सब क्या कर। लेकिन मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइफ में पहली बार हुआ है कि इतनी डांट खाने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लगा। पता क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था। मेरी बेटी के लिए कोई स्टैंड लेगा तो पापा को तो अच्छा लगेगा। एक बात बताऊं, इज अ नाइस बॉय। वो ठीक कह रहा था कि मुझे पर्सनल तो नहीं बोलना चाहिए पापा, और बहुत कुछ सही बोला है वो। ओवर टाइम तो मैं ही करती हूँ, ज्यादा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ही सिर पे है, और सैलरी भी मुझे सबसे कम मिलती है। अब मुझे ना रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड चाहिए? बोलो क्या रिवॉर्ड चाहिए? पापा देंगे रिवॉर्ड बेटा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।